आप सुन तू अपना फिर तक
दो लड़के राम लखन इस गंगा जल में आए हैं, संग में एक सीता नाम की नारी लेकर आए हैं। बाकी है और लुथा है, गया शमशीर उन्हीं की हो, पंचवटी में ठहरे हैं, जैसे जागीर उन्हीं की हो। है तुम कम ना करो, चुप रखे हम सैर है तुम कम ना करो, तुम की ही राह पर रखो मैं, ये चार नैनों की दाद मित्र की भूख रहे रखो मैं। नारी ना खुआरे रहे, नारी की ना खुआरे रहे, उठती है दाद नहीं उठी, अब ना बर हाथ उठाने में उठती है दाद। अभी नौ की सीध में जा, पृथ्वी और पाताल लोक, यहाँ पृथ्वी और पाताल लोक से सीते हैं, तो किसी और सिंह एक घाट पर पानी पिए दुराचार यह समाचार मुख्य थे, यह दुराचार यह समाचार क्या भूषण से नहीं कहा, उनका तो वही अधारा था, क्या कुलभूषण से नहीं कहा। वहां गए और बड़ा घोर संग्राम हुआ, पल भर में बड़े तपस्वी ने की थी, लाशों में लाशें पड़ती थी, वह देख रही थी खड़ी खड़ी उन सबकी गर्दन कटी हुई। छत्ता देना तांत्रे सूत्र से, वे छत्ता देना तांत्रे और चीते रहे सवारे में, तो टूटे पीस जा मेरी ला रथ सब उठाने में। ठहर धरो तुम चार महलों में ठहर धरो, मैं तक तक जन को चाहता हूँ, और यह दाग तपस्वी से अभी छुपाता हूँ। तो एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया, तो फिर इससे यह हुआ नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय देने को, अपना परिचय देने को उन्होंने यह युक्त की है, इस रण के कारण मेरी भी उस जन्म से मुक्ति है। अच्छा रवि अवतारी है, अच्छा रवि अवतारी है, तो कर का ही नाता छोड़ूंगा, अगले जन्म का ही अपने ही हाथों तोड़ूंगा। यहाँ मौत नहीं है बोझ है, यहाँ मौत नहीं है मोक्ष है, यहाँ पैर नहीं अनुराग है, वह भी तो तीर उन्हीं का है जो भक्तों के लिए सुहाग है। रणभूमि मेरी सैया होगी, रणभूमि मेरी सैया होगी, और मोक्ष मेरी दुल्हन होगी, वह मेरे खातिर खुदाए धरती की, यहाँ सार मेरे बल की हो। ओ मालावारी,
हारी महाराज आती है। ओ विश्वामित्र के यज्ञ वाला, ओ विश्वामित्र के यज्ञ वाला, अब सुधा का आंखों में है, जिसने सौ योजन प्रकारा और तीर करा में है। सूर्यवंश के सिंह को, सूर्यवंश के सिंह को माया मृग क्या बहकाएगा, जाएगा प्राण पखेरु तो पिंजरे से उलझाएगा। दूषण सुरसंहार को साक्षात कौन नारायण है, से सीता अवतार सबसे सब अवतार लक्ष्मण। घर में प्रकाश आ जाता है, पर नारी घर में नाने से घर का विनाश हो जाता है। राम रूप नारायण के शेष रूप के लक्ष्मण है, राम लखन और सीता माता तीनों त्रिभुवन के जीव है। उनसे बैर बढ़ाते हैं, जो उनसे बैर बढ़ाते हैं, वो आखिर मारे जाते हैं, बेमत बहुत दिल घाट ही बेवक्त मारे जाते हैं।
सच्चे बच्चे, मैं तुझसे यहां पर उपदेश लेने नहीं आया। किसी तरह से मेरा काम चलता है या अभी तेरी कदर उड़ा लूं। श्रीमान नाराज ना हो, मैं आपके साथी हूं, जिंदगी की भीख मांगता हूं। खल भी तुम ब्रह्म है, सर्वत्र खल भी तुम ब्रह्म है, तब तक झूठा नाता है, फिर किसको क्या सिखाता है और क्या बनकर समझाता है। जाने से इनकार किया वाली, यदि जाने से इनकार किया तो सारा ज्ञान भुला दूंगा, सीता के हृदय से पहले यम पुरी तुझे पहुंचा दूंगा। हमारा सभा अब क्या भी सुनो, जब हम पंचवटी के निकट पहुंच जाएंगे तो तुम कपट से कंचन मृग का रूप धारण कर लेना। सीता अवश्य ही तुम्हें पकड़ने के लिए रात को भेजेगी और तुम वहां से भाग जाना। थोड़ी दूर जाकर राम का नाम लेकर लक्ष्मण की आवाज में सहायता के लिए बुलाना। लक्ष्मण राम की सहायता के लिए अवश्य आएगा और तब मैं अवसर पाकर सीता का हरण कर लूंगा। से रावण कहे तेरी, सीता से रावण कहे तेरी, उधर से रघुबर के मन है, उधर से रघुबर के मन है। मतमाने दोनों तरफ से आई कजा, दोनों तरफ से आई कजा, हर तरफ मौत मेरी आई है। गिरों तो है गुआ, उस तरफ गिरों तो खाई है, मरना ही है तो श्री राम के हाथों मर, ना ही है तो रावण के हाथों मरना बेकार मेरा, श्री राम के बाणों से मरकर होगा बेड़ा पार मेरा। जो भी हर के दिया तो हर के Oh,
Thank you.
दिल भली भांति व्यतीत तो हो गए, अब आपके का समय प्रभु जाने कैसे कटेगा। यहां मृग कैसा विचित्र मृग है, एवं मनोहर भी है। इसकी छाल अवश्य ही उत्तम होगी। हे नाथ, इसे पकड़ कर ले आइए। भ्राता लक्ष्मण, मैं इस मृग को मार कर लाता हूं। बुद्धि और बल से समय विचार कर सीता की रक्षा करना। जो आज्ञा भ्राता श्री। लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण मेरी सहायता के लिए आओ। लक्ष्मण भ्राता लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, आपने सुना एहोई आवाज को? यह आवाजें कहां से आ रही है? हाँ माता जी, मेरा नाम लेकर मुझे सहायता के लिए पुकार रहा है। कोई कौन लक्ष्मण? यह तो तुम्हारे ही भाई की आवाज है और वह तुम्हें सहायता के लिए बुला रहे हैं। जाओ, जल्दी जाकर उनकी सहायता करो। आप मुझे संदेह कर रही हैं। विपत्ति में है क्योंकि इस वन में राक्षसों की संख्या बहुत अधिक है। माता, आप यह क्यों चिंता कर रही हैं? मुझे माता पर पूरा भरोसा है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि तुम आपत्ति के समय भाई की रक्षा नहीं कर सकते तो फिर कब करो लक्ष्मण? हे माता, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊं? मेरा मन घबराता है। साहब है माता जो मैं जा सके। सूरज जिस जगह प्रकाशित है कब वहां अंधेरा आ सके। आप चिंता क्या है? जान लिया है, यह मतलब का भाईचारा है। तुम घर से तो बन आए हो, इसमें कुछ स्वाद तुम्हारा है। सच है, प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र कहां और भाई सा शत्रु कहां। लक्ष्मण, मैं तुम्हें समझ गई हूँ। अपने भाई का सुख नहीं चाहते हो, सहायता के लिए नहीं जा रहे हो। हे माता,
चाहिए। जरूर कुछ हर्ट होने वाला है जो आप ऐसी बातें कर रहे हो। अस्तु मैं अभी जाता हूं माता, किंतु आप इतनी कृपा करना, मैं ये रेखा खींच रहा हूं, आप इसका उल्लंघन ना करना माता। हे पवन देव साक्षी हो तुम, हे पक्षी गणो गवाह हो तुम, मेरे इस धर्म की नौका के हे सूर्य देव नंदा हो तुम। आज्ञा पालन करता हूँ मैं, आज्ञा पालन करता हूँ मैं, बस इतना है संतोष मुझे। भाई अगर उल्हा ना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। हे माता अब मैं जाता हूँ, हे माता अब मैं जाता हूँ, तुम सावधान हो कर रहना, आज्ञा के भीतर दास रहा, कुटिया के भीतर तुम रहना। यहाँ रेखा उल्लंघन करके जो, यहाँ रेखा उल्लंघन करके जो कुटिया के भीतर जाएगा, है आज उसे इस लक्ष्मण की तत्काल खत्म हो जाएगा। प्रणाम माता, आयुष्मान हो। हरी गोरे गाना साधु हैं, साधु मेरा तो दिया है। आहा, मैं भी अकारा यहाँ तो आशा रहेगा को बाबा का प्रणाम। आया है
बिना भिक्षा के मन जाने का नाही, 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 आज मैं यही कहां से पधारे हैं? मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तुम्हारा सौभाग्य अटल रहे सुंदरी, मैं तुम्हारे प्रश्न का क्या उत्तर दूं? आखिर आपका नाम और रहने का शुभ स्थान? न्यासों का क्या नाम, क्या रहने का स्थान, दरिया रात वही आ रहा। योगीराज, आपने किस सेवा के लिए दर्शन दिए हैं? केवल भिक्षा माई, केवल भिक्षा। भाग्य हमारे मेरा है, देवी इच्छा देने से पहले अपना नाम और परिचय तो दे दो। किराज, मेरा नाम गीता है और कवलपति महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र वधू हूँ। ग्रहण कीजिए। तो दशरथ कर का भिखारी भिक्षा दे तेरो रात दुलारी, मैं तो दशरथ कर का भिखारी भिक्षा दे Yeah.
चाल ही ले ली है। रेखा नाक्या को बाहर आना होगा। यदि साधु संतों पर आपको श्रद्धा है तो बाहर आके शिक्षा देना होगा। मेरे से चल आओ भाई बाहर। योगीराज, मुझे रेखा उल्लंघन करने की अनुमति नहीं है। अच्छा, तो ये योगी चला दूसरे द्वार। हमें नहीं चाहिए बंद भिक्षा, ले जाओ। मैं चला अपने घर, मैं अपने रास्ते चला। अरे योगी राव, रुक जाओ। रुक जाओ? अच्छा भाई, इसका मतलब बाहर आके कुछ कह दीजिए। लाओ माई माँ, क्या बात माई भाई, अल्लाह मेरा अल्लाह, इतना क्यों डर रहे हो आप? बाहर आके कुछ कह दो। हे योगीराज, लोग मैं बाहर आकर देती हूँ। और आ गया, थोड़ा और आ गया। तू कौन है? सीधे सीधे हो जा सावधान। तू आई मेरे पापों है, तेरे भली था कि मैं लंका पति रावण हूँ। अब तू है रावण के हाथों में। बचरे हाँ सर, अरे खबरदार, मेरे प्रभु आने वाले हैं। जो धनुष तोड़कर लाए हैं वे ही मेरे। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत्य की रेखा में हूँ। अबला हूँ इतना बल है, पतिव्रत की रेखा में हूँ। तू क्या संसार रच रहा है तो भी बल तोड़ नहीं सकता। सत्य के आगे ब्रह्मा भी मोल नहीं सकते। Okay।
है कोई मुझसा ठिकाना क्या तेरे कल का नहीं है कोई मुझसा ठिकाना क्या तेरे कल का Thank you.
सीते सीते को माता माता प्रिय को माता सीते को माता सीते कहाँ है तुम Thank you.
ठीक है लक्ष्मण, हमें जल्दी से उसी दिशा में प्रस्थान करना चाहिए। अरे लक्ष्मण, ये इतना बड़ा पक्षी कौन है? हे परोपकारी, तुम्हें यह कष्ट किसने दिया है? क्या तुमने इस रास्ते से सीता को जाते हुए देखा है? तुम तो बिल्कुल घायल अवस्था में पड़े हो। हे ना दक्षिण दिशा हारा, सीता को हर पर ले जा रहा था हारा। अचानक सीता का रोना मैंने सुना हारा। मैं वह विलास सुन न सका हारा। के ले गया और रावण से युद्ध भी किया हर राम। एक बार तो इसे मूर्छित भी कर दिया, उसे गिरा भी दिया हर राम। किंतु वह दुष्ट शीघ्र ही संभल गया, दोबारा मुझसे युद्ध करके मुझे घायल कर सीता को लेकर चला गया। यदि आपको जीवन की इच्छा हो तो मैं आपको जीवन दान दे सकता हूँ। नहीं भगवान, अब मुझे जीवन की तनिक भी इच्छा नहीं। कृपा करके अब मुझे शीघ्र ही मुक्त कीजिए। आह राम, हाय राम, हाय राम। हे विद्वान, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करता हूँ। कहा तू मैं कांदी
शायद हमें माता की कुछ पहचान मिल जाए। हेलो भैया।